वाला है। जल्दी उतर रहे हैं, पानी नहीं, नहीं उतर रहा सर। यही है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। बोलिए सर, कल यूपी के तहत माइक नीचे फिर जो परिणाम आने वाले हैं। नीचे नीचे मोबाइल नीचे करो सर। नाम तो पहले ही से एक तरह से घोषित है और फिर ये अनुमान लगाने वाले लोग ही लोग लगा लिए हैं। वहाँ तो भाजपा की सरकार बन रही है, पर सर वहाँ विपक्ष का कहना है कि ईवीएम अभी से हैक होने लगा है। यही साबित करता है कि उन लोग हार रहे हैं। जो हारता है सदा ईवीएम को दोष देता है, इसलिए उनका कहना ही है कि उस स्वीकार कर लिए कि हार रहे हैं वो। और जहाँ तक है ये हम मानते हैं कि पहले 300 से ऊपर था, 300 ऊपर सीट नहीं आएगा। हम समझते हैं कि कंफर्टेबल मेजोरिटी उन लोगों की आएगी, लेकिन बिहार की नहीं, मोदी जी की सरकार बनेगी। जदयू का खाता खुलेगा माजी जी? जदयू और मुकेश सहनी भी वहाँ थे, खाता खुलेगा इन लोगों का? आदर्श में तीन तो दे रहा है। पर सर तेजस्वी यादव ने बोला है कि एग्जिट पोल के लड्डू बीजेपी वालों को खाने दीजिए, कल हम लड्डू खाएंगे। वो तो अपनी बात है बोलते हैं, लेकिन गलत बात। हम समझते हैं कि बीजेपी की सरकार वहाँ बनेगी ही। ये लोग जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहा है, वो ठीक बात बोल रहा है। सर कल के बाद बिहार में भी कोई फर्क पड़ने वाला है? सर पड़ेगा क्या बिहार की राजनीति पर भी कल के नतीजे के बाद? कोई भी घटना का ये प्रति घटना होती है, हर एक्शन हैज गॉट रिएक्शन, इसलिए कुछ न कुछ तो होगा। कहा ना कि एवरी एक्शन हैज गॉट रिएक्शन, तो कहीं भी घटना घटेगी, उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, चाहे दिल्ली में हो, तो उसका तो प्रभाव पड़ेगा ही। क्या प्रभाव पड़ेगा वो मैं नहीं कहूँगा।